हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्चुअल में कमेंट्स के थ्रू जो रिक्वेस्ट आई थी उसके ऊपर हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं। मुझे कुछ मेल रिसीव हुए थे कि सर एक्चुअल में मुझे पासवर्ड डालना तो समझ में आ गया, मैंने पासवर्ड सेट किया, पासवर्ड रिमूव किया, पर अगर से मुझे कोई स्विच के ऑपरेशंस के ऊपर अगर से मुझे पासवर्ड लगाना है तो मैं वो कैसे लगाऊंगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोग कितने बार स्विचेस में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हम ये पहले मॉनिटरिंग स्विच ले लेते हैं। एक मॉनिटरिंग स्विच ले लिए, इस पर डबल क्लिक करते हैं, मेन में गए, मेन में एक्स जीरो कर दिए। देन हमको टेक्स्ट लिखना है तो जीरो के लिए ऊपर ऑफ लिखेंगे हम यहां पर, ऑफ, और वन के लिए ऑन, करेक्ट, ओके। देन बोल्ड कर दो दोनों को ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद पिक्चर्स में गए तो पिक्चर्स में पुश बटन, पुश बटन में पहला ऑफ कंडीशन के लिए ऑफ रेड वाली लिखेंगी और इसको हम लोग दे देते ग्रीन। अब अगर से हम वन करते हैं जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन दिखना चाहिए, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। ये ग्रीन कर दिया। डिटेल्स में गया तो देखिए मेरे को ऐसे सिंबल्स अवेलेबल। अभी यहां पे हमको पासवर्ड डालना है तो यूजर सिक्योरिटी लेवल यहां पर जीरो लिखा हुआ है, इसको मैं किसी भी लेवल पर सेट कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3। तो मैं इसको सपोज 1 पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास ये एक स्विच बटन एक्टिव हो गई है। अभी मैं इसके लिए एक लैंप ले लूंगा, सिंपल लैंप, ताकि मेरे को आउटपुट दिख सके। हम इसको भी एड्रेस दे देते हैं एक्स जीरो, एंटर। टेक्स्ट में जाते हैं, इसको भी ऑफ लिखते हैं क्योंकि जीरो स्टेट में ये ऑफ रहना चाहिए और ऑन स्टेट में ऑन रहना चाहिए, मतलब वन स्टेट में ऑन रहना चाहिए। हम पिक्चर ले लेंगे इसके लिए। अब यहां पर पिक्चर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मेरे को क्या कर सकता हूँ, डिटेल। डिटेल में मुझे कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि मैं इसको आउटपुट को मैं मॉनिटर पासवर्ड नहीं लगा सकता, मैं इनपुट को पासवर्ड लगा सकता हूँ क्योंकि जब मैं प्रेस करूंगा तब पासवर्ड मांगना चाहिए, पर आउटपुट अगर से प्रेस होगा तो फिर पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अगर से पासवर्ड दिया जाएगा तो फिर हमको मॉनिटरिंग करने में डिफिकल्टी होगी, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। अगर से हम इसको कलर देना चाहते हैं तो हम कलर देके देखते हैं इसको। हम चलो कलर देखते हैं ना, ऑफ कंडीशन में ये रहेगा और ऑन कंडीशन में ये कलर रहेगा, ओके ओके। अब हम यहां पे जाएंगे, ऑप्शन में गए, पासवर्ड सेटिंग में जाएंगे। ये पासवर्ड सेटिंग में गए तो हमने लेवल वन सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे 8x1 पहले से अवेलेबल है, हम अपना मनचाहा पासवर्ड भी डाल सकते हैं। सपोज मैं डालता हूं 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये मैंने डाल दिया। अब सिंपल आपको मॉनिटरिंग पे जाना है, हम तो सिमुलेशन मोड में जाना है, तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, थोड़ा लेट लगेगा पर विंडो ओपन होगी। उसके बाद फिर हम लोग सिमुलेशन देखेंगे इसका कि एक्चुअली ऑपरेट होगा कैसे। तो थोड़ा टाइम लग रहा तो वेट करते हैं हम लोग, तो ये खुला, रीडिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर। देखिए अभी मेरा ये ऑफ कंडीशन में है, लैंप भी ऑफ है, पर जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखो पासवर्ड मांग रहा है। अगर से मैं मान लो कि कोई भी कुछ भी अलग सा पासवर्ड डाल देता हूं तो ये बोलेगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इसे पासवर्ड इनकरेक्ट है अभी, तो ये ऑपरेट नहीं होगा, लैंप मेरा ऑन नहीं होगा। पर जैसे ही मैं एक्चुअल पासवर्ड डालूंगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो एंटर किया, देखिए लैंप ऑन हो गया, मॉनिटरिंग होना शुरू हो गई। जितने देर दबा के रखूंगा ऑन है, देख रहे ये पहले नहीं हो रहा था। आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूं मैं इसको कैसे करेंगे। हम दोबारा गए सिमुलेशन मोड में, रीडिंग कर रहा है, देखिए अभी ये ऑन नहीं हो रहा, देखिए दबाने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा। अगर से मैं इसको थोड़ी सी कीपैड को अगर इधर लेकर आओ तो ये ऑन नहीं हो रहा, देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पासवर्ड डालते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड एंटर। देखिए अब ये ऑन होगा क्योंकि ये मॉनिटरिंग स्विच है तो मेरे को ये प्रेस करके रखना पड़ेगा, छोड़ दूंगा बंद, ठीक है, ये ऑपरेट हो रहा है। इस तरीके से आप इसको पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर से आप मान लीजिए आपको पेज गो टू स्क्रीन वाले स्विच लेना है तो ये गो टू स्क्रीन स्विच ले लिया, इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहां पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट, सॉरी स्मॉल हो गया, NEXT नेक्स्ट एंड देन बोल्ड। और मैं यहां पर सेट करता हूं पिक्चर्स में कुछ सेट करना है, चलिए इसको हम कलर कर देते थोड़ा सा तो ये आपको अच्छा दिखाई देगा। हम ये केवल अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, वैसे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर नहीं करना है आपको चेंजेस तो आप एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल करता हूं ताकि ये ऐसा दिखे,
और डन डिटेल। अब डिटेल में जाने के बाद फिर मैं ये केस करूंगा कि वन डालूंगा फिर से। आपको टू डालना है टू डाल सकते हैं, आप टू डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन आई हैव टू गो ऑन दी टू ऑप्शन देन पासवर्ड सेटिंग। तो मेरे को एक टू पे 8.2 अवेलेबल है, तो मैं इसको भी 1 2 3 4 5 6 करता हूं, तो ये 6 अवेलेबल है। यहां पे मेरे को एक स्क्रीन लेनी पड़ेगी, न्यू स्क्रीन, इसको हम लेते हैं पेज 2 नेम देते हैं। ओके तो मेरे पास पेज 2 ओपन हो गया। अभी मेरे को इसको एड्रेस देना पड़ेगा कि ये कौन से पेज पे शिफ्ट होना चाहिए, तो मेरा पेज 2 पे शिफ्ट होना चाहिए। ओके एंड यूजर सिक्योरिटी लेवल इसको हम इनेबल कर देंगे, करेक्ट। तो ओके करते हैं, फिर से हम सिमुलेशन मोड में जाते हैं ताकि ऑपरेट कर सके। इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर है, नया प्रोग्राम बना है, नया प्रोग्राम को फिर से सिमुलेशन में डालना थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, इसमें पासवर्ड मांगा 1 2 3 4 5 एंटर होने लगा। और अगर से मैं इसको डालता हूं तो इसमें ही पासवर्ड मांगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटर। देखा सेकंड वेव, क्योंकि मेरी सेकंड वाली स्क्रीन पूरी की पूरी व्हाइट थी इसीलिए पूरा का पूरा व्हाइट आ गया। चलो हम इसमें कुछ ना कुछ तो डाल देते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या करें हम लोगों ने एक्चुअल में। यहां पर हम एक मीटर ले लेते हैं, इसको हम एड्रेस दे देते हैं 10 करेक्ट, देन कीप इट एज इट इज। ओके हम इसको सिमुलेट करते हैं, प्रीवियस करते थे, यहां पर एक और स्विच लगा देते हैं गो टू स्विच देन बैक, इसका नाम हम देंगे बैक, इसको कर देंगे हम बैक BACK बैक करेक्ट। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए तो हम इसको और एक स्विच दे देते हैं, इसको कलरफुल करते हैं। चलिए ये ले लेते हैं ताकि बैक दिखाई दे, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हो तो हम इसको और दूसरा लेते हैं, कौन सा पिंक कलर लेते हैं, चलो पिंक कलर ले लेते हैं, या इट इज लुकिंग। एंड डिटेल्स, डिटेल्स हम इसको प्रीवियस करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं डालते, चलिए प्रीवियस करने के लिए इसको पासवर्ड नहीं डालते हैं सिर्फ। ओके गो टू वन स्क्रीन, ओके हम इसको ऑनलाइन जाते हैं, लॉगिन करते हैं, ये फिर टाइम लेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, तो होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग इसको मॉनिटरिंग रीडिंग कर रहा है, देखिए अभी ये ऑन होने के लिए इसका तो हम लोग ने फंक्शन देख लिए, ये देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटर। देखिए सेकंड पेज भी आ गया और जैसे इसमें मैंने पासवर्ड डाला नहीं है तो क्या करूंगा, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो प्रीवियस पेज भी अपने आप चल जाएगा। देखिए चले गया, इसमें फिर पासवर्ड मांगा 1 2 3 4 5 6 एंटर। मतलब मेरे को नेक्स्ट पेज पे आने पर पासवर्ड लग रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट किया है, और मेरे को प्रीवियस पेज पे जाना है तो पासवर्ड नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज यहां तक समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही सेट रिसेट मेंटेन मल्टी स्टेज सारे टाइप के स्विचेस के लिए आप पासवर्ड लगा सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिटेल्स में जाकर आपको पासवर्ड का लेवल चेक करना है और कुछ नहीं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा आपका। और आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ईमेल शूट करिए। तो विद इन द 1 or 2 days आई विल रिटर्न बैक टू यू एंड गिव द सॉल्यूशन टू यू ऑल। होपफुली you will be a fine and thank you, bye bye, take care and keep subscribe my channel and like the video, thank you।